पे लिंक में डाल दीजिएगा। ओके मिस। ठीक है। अच्छा भाई, मॉर्निंग इवनिंग लास्ट टाइम आपकी क्लास नहीं ली थी, तो आप लोगों के लेक्चर के लिए जो है वो आप जो है वो अपने लिंक से जो है वो अपना लेक्चर अपने सीआर को बोलिएगा, डाउनलोड करके दे देंगे। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, रिकॉर्डिंग भी आपको आई थिंक कुछ आधे घंटे की ही मिलेगी। तो बस इसके पीछे की जो अभी जो आपके सामने स्लाइड शेयर हो रही है, इसी की ही दो डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने पढ़ाई थी, उसको ओवरव्यू में दोबारा बता देती हूँ। तो आज जो है उसकी तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पढ़ानी है। तो पहली डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास तीन कंटिन्यूस और एक्सपोनेंशियल, ये दो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग में पढ़ाई भी है, ठीक है, आप सुन लीजिएगा। और बाकी आज जो नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगी, ठीक है। इट्स अ इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, और बाकी दो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में। तो आज जो हमारी तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तीनों की तीनों डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस टाइप की है, कंटिन्यूस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने आपको हर पॉइंट से जो है वो डिस्क्रीट के पॉइंट से पढ़ाया था कि भाई देखिए ये डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं और उसकी स्पेशल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हैं, इसी तरीके से कंटिन्यूस की बातें भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। और ये जो कंटेंट है आपका किससे मौजूद है, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से मौजूद है। तो डिस्क्रीट डेटा के लिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंटिन्यूस डेटा के लिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो डिस्क्रीट डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो मैंने आपको बताई थी, बाइनोमियल है, हाइपर जोमेट्रिक है, जोमेट्रिक है और पॉइजन है। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो सारी क्या थी, डिस्क्रीट की थी, ठीक है। और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, उनकी क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ अप्लाई होती है, किस टाइप का डेटा होता है, वो सारी डिस्कशन की थी। आज जो बात करनी है वो आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन बात करनी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इटसेल्फ किस टाइप की है, कंटिन्यूस टाइप के डेटा को जो है वो ओबे करती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है आपके पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला तो आपको पता है कि डेटा सेट कौन सा यूज होगा, कंटिन्यूस टाइप का। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अहम डिस्ट्रीब्यूशन है, और ज़्यादातर जो है वो आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही लाई करता है। इसलिए बहुत सारी जगह जहाँ पे आपके पास जो है वो बहुत सारे ऐसा डेटा होता है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लाई करता है, तो आपके रियल लाइफ के अंदर मेजोरिटी डेटा जो उसको लाई कर रहा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो है वो जैसे अगर हमें ये चेक करना है कि आइदर ये हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लाई कर रहा है कि नहीं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसे हमने वेरीफाई करना होगा। अगर वो प्रॉपर्टीज इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे वेरीफाई हो जाती है, तो उसका मतलब है कि जो डेटा सेट मौजूद है ये नॉर्मल है और उसके ऊपर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा सेट का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल का कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सबसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और ये इसका जो है वो एक पीडीएफ फंक्शन गिवन है। पीडीएफ फंक्शन का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये आपके पास गिवन है, ठीक है, इसके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने बाइनोमियल का पीएमएफ देखा था और आपने पॉइजन का पीएमएफ देखा था, आपने उसके हुए डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकाली थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो पीडीएफ गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये गिवन है, ये कंप्लीट जो है ये आपके पास फार्मूला, एक पीडीएफ का फार्मूला गिवन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की होती है, या फिर डेटा जो मैं नॉर्मल कह रही हूँ उसे क्या कहते हैं नॉर्मल को, तो नॉर्मल बेसिकली आपके पास क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है कि आप बेसिकली ऐसा डेटा ऐसा ऐसी शेप की बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इस एक पीक हो जिसके अंदर, अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले हम ये क्या बात देख लेते हैं, सबसे पहले इसकी जो नॉर्मल की करेक्टरिस्टिक्स क्या आती है, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आपका जो डेटा सेट है आप उसे किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी समझे कि अपने डेटा को आपने चेक करना है कि अदर ये नॉर्मल है कि नहीं, तो नॉर्मल चेक करने के लिए आपका ये शेप बननी चाहिए आपके डेटा, जो पीक शेप है दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल शेप। तो इसे बनाने के लिए आपके पास क्या है, डिफरेंट आपके पास नीट टैब, मैटलैब, बहुत सारे डेटा मौजूद हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आप अपने डेटा का जो है वो ग्राफ बना के चेक कर सकते हो, आइदर ये कर्व आ रहा है या नहीं। जिस तरह यहाँ पे देखें ये एक कर्व आ रहा है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। अब ये जो ग्राफ हमारे डेटा का हमने बनाया है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। नॉर्मल ग्राफ से दैट मीन्स कि आपका जो डेटा सेट है वो नॉर्मलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपका डेटा सेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे नॉर्मल को शो कर रहा है, नॉर्मलिटी को शो कर रहा है, तो उसका मतलब है इसके ऊपर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं।
तो डेटा सेट को चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने डेटा सेट को प्लॉट कर दें। अब डेटा सेट को प्लॉट किस तरह करते हैं, ये बात तो मैं आपको पहले ही बहुत मरतबा समझा चुकी हूँ, आपने लैब में भी परफॉर्म करके देख लिया है कि डेटा को प्लॉट किस तरह किया जाता है। तो आपने कोई भी रैंडम डेटा सेट लिया और उसको प्लॉट करके चेक कर लिया इधर इज इट नॉर्मल और नॉट। तो अब ये देखें, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे एक पीक बन रही है, बिल्कुल हाँ पीक बन रही है, इसका मतलब है कि आपका डेटा सेट नॉर्मल है। बाकी मिनी टैब और मैथमेटिकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप कमांड डालेंगे वो आपको चेक करके बता देगा कि अदर आपका डेटा सेट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर लाई करता है या नहीं, वो यस और नो में भी आपको आंसर दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो मिनी टैब वगैरह के सॉफ्टवेयर हैं ये प्योर स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है, इसमें जस्ट आप अपना डेटा इंसर्ट करो और आपको फौरन सा आंसर मिल जाएगा। इसमें किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन या कुछ भी जहमत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वहाँ पे अपना डेटा सेट सब्सटीट्यूट कर दो, नॉर्मल का बटन दबाओ, वो चेक करके बता देगा आइदर योर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल और नॉट। तो इस तरह की, तभी मैंने आपको मैटलैब सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया था कि भाई मैटलैब सॉफ्टवेयर में फिर भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, लेकिन जो स्टैटिकल प्योर स्टैटिकल होते हैं इसमें हमें ये नहीं पता चल पाता कि इसने आइदर ये कैलकुलेशन परफॉर्म किस तरह की। अगर आपको एक्सटर्नली जो है वो उसके बारे में नहीं पता होगा उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करना, तो आप इंटरनली जो है वो देख भी नहीं सकते, ये तो सिर्फ आपको यस और नो में आंसर बता देते हैं। इसीलिए मैंने आपके साथ जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है वो मैटलैब को यूज़ किया ताकि आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग से भी अवेयरनेस रहे। अच्छा, अब नॉर्मल डेटा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले कि वो बेल शेप, ये देखिए ये एक बेल शेप कर्व है, ठीक है, ये सिमेट्रिक कर्व होगा। सिमेट्रिक का मतलब है कि हाफ डेटा सेट आपका इस साइड पे लाई करेगा और हाफ डेटा सेट आपका इस साइड पे लाई करेगा, और ये जो सेंट्रल लाइन है दैट इज कॉल्ड द मीन लाइन। मीन लाइन का मतलब है कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो इसका मीन होगा, ठीक है। अब ये मीन का हाफ डेटा इस साइड पे शो कर रहा होगा और हाफ डेटा इस साइड पे शो कर रहा होगा, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका मीन, मीडियन और मॉड तीनों एक ही होता है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका मीन, मीडियन और मॉड तीनों क्या होंगे, एक होगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं इधर आपका डेटा नॉर्मल है कि नहीं, तो आप क्या करो उसका मीन, मीडियन एंड मॉड निकाल दो। अगर आपका डेटा तीनों बराबर आ रहा है दैट मीन्स तब भी आपका डेटा नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि एक इसके अंदर एक ही कर्व है। एक ही कर्व का मतलब ये है कि यही इसका मीडियन भी है, क्योंकि मीडियन भी सेंट्रल डेटा होता है, और मॉड का मतलब होता है पीक, और इसका पीक एक ही है, और मीन का भी मतलब क्या होता है, ऑन एवरेज बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तीनों की तीनों चीजें क्या होंगी, सेम आएंगी। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या है, जैसे अगर हमने सपोज किया कि एक डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसका मीन क्या है 70, डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका हाफ डेटा लाई करेगा वो अबव मीन करेगा और हाफ डेटा जो लाई करेगा वो ब्लो मीन करेगा। और जब आप इस डेटा को समझे, इस डेटा को आप फोल्ड करेंगे तो ये डेटा जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, मतलब इस डेटा को अगर आप सेंटर से फोल्ड कर दें तो हाफ डेटा आपका इस साइड पे होगा और हाफ डेटा इस साइड पे होगा। इसका बाकी इस पूरे डेटा का जो एरिया अंडर द कर्व होगा डेफिनेटली वन होगा, ठीक है, डेफिनेटली हमारे पास पता है प्रोबेबिलिटी जो है वो वन के बराबर होती है, और जो आपका डेटा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पीक अलाउड है। इसका मतलब है कि वो यूनिमॉडल है, यूनिमॉडल का मतलब है कि इसकी सिर्फ एक ही पीक आएगी। अगर आपका डेटा इस तरीके से दो पीक्स पे लाई करता है, बाय बाय मॉडल्स पे लाई करता है, इसका मतलब है कि वो आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब है आप इस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे पहले जो दो अहम पॉइंट हैं, दो अहम पॉइंट ये हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका डेटा नॉर्मलिटी को शो करता है, नॉर्मलिटी उस पर एग्जिस्ट रखती है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए जो दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होंगे वो क्या होंगे, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको आपके डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपका डेटा नॉर्मल है और आपको अपने डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने डेटा से बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप अपने प्रोबेबिलिटीज और आप अपने डेटा की प्रिडिक्शन जो है वो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ज्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करती है। आपको अपनी चीजें जो है वो पता चल गई कि भाई मीन इसका ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो उसका मतलब है कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको अपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है आपको अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हर बात पता चल गई। अब किस तरह चलोगे इसके कुछ मैथमेटिकल रूल्स हैं, यहाँ से देखते हैं। बाकी ये देखें कि मीन डिस्ट्रीब्यू, ये आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिस्ट्रीब्यूशन का आपके सामने एक पीडीएफ मैंने गिवन कर दिया है, ये पीडीएफ है,
ये एक पीडीएफ का फॉर्मूला है, और ये पीडीएफ क्या होते हैं, पीडीएफ के फॉर्मूले क्या होते हैं, ये आपको पता है। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, इसके जरिए डेफिनेटली अपनी प्रॉबेबिलिटीज फाइंड आउट। जैसे एग्जाम्पल दी मैंने आपको कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, अगर मैंने आपको कहा कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक की प्रोबेबिलिटीज मालूम करें, तो आप क्या करेंगे, इसको लोअर से अपर तक के लिमिट में इंटीग्रेट करवाएंगे, और फंक्शन फंक्शन यहाँ पे क्या रखेंगे, पीडीएफ रखेंगे। तो आप पीडीएफ किए, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट हो जाएंगी। लेकिन दूसरी बात आप ये देखिए, इतने बड़े फंक्शन को इंटीग्रेट करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटीज मालूम करें, तो आप इसकी कंप्लीट पूरी प्रोबेबिलिटीज मालूम करेंगे, उसमें से वन में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ लेस देन की प्रोबेबिलिटी मालूम करो, तो लेस देन का मतलब है आप इसे जीरो से लेकर थ्री तक पे इंटीग्रेट करवाएंगे। और अगर ग्रेटर देन की बात करती हूँ, तो भी आप इसे क्या करेंगे, ग्रेटर देन का मतलब है आप टू से लेके इसकी ग्रेटर लिमिट थ्री तक के इंटीग्रेट करवाएंगे। तो खैर, आप प्रीवियस वाले जो लेक्चर सुनेंगे, उसके अंदर मैंने इंटीग्रेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करवाई दी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन सुनने के बाद। तो ये चीजें आपके पास क्या लाई करनी है, ये इस तरह की लिमिट्स लाई करेंगी। अब यहाँ पे देखो, इतनी लिमिट्स उन्होंने डिफाइन कर दी, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये फंक्शन कैलकुलेट करना। ये फंक्शन कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इंटीग्रेशन भी मुश्किल जाती है, इसमें से एक्टिविटीज निकालना भी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके प्रोबेबिलिटीज निकालने के साथ, चूंकि देखा कि काफी मुश्किल है, तो हमने इसका एक दूसरा वेरिएंट वर्जन देख लिया, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो है वो उन्होंने एक बहुत ही आसान सा हमारे पास एक फॉर्मूला राइट कर दिया है। वो फॉर्मूला आपके पास गिवन हुए है, फॉर्मूला कहाँ, ये फॉर्मूला आपके पास जो है वो गिवन कर दिया। अब ये फॉर्मूला एटलीस्ट इस फॉर्मूले से काफी ज्यादा आसान है, ये फॉर्मूला जो भी मैंने आपको फॉर्मूला शो किया, इस फॉर्मूले से जो है वो काफी ज्यादा जो है वो दिखने में खौफनाक नहीं है। और बाकी दूसरी चीज इन्होंने ये भी करी कि आपको जेड का फॉर्मूला गिवन कर दिया, और उसके बाद इन्होंने आपकी जितनी भी इसकी प्रोबेबिलिटीज थी वो जेड टेबल में डिफाइन कर दी। जेड टेबल का मतलब है कि हर तरह की इन्होंने जीरो से लेके वन तक की रेंज पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आ सकती थी, इन्होंने एक चार्ट के अंदर डिफाइन कर दी। मतलब ये कि अब आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस टेबल के जरिए, इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए जो है आप अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसे कहते हैं जेड टेबल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल को जो जेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो वो जेड डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल गिवन है। अब ये टेबल क्या होता है कि इसके अंदर तमाम कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखिए, क्योंकि ये जो आपके सामने खौफनाक मैंने फॉर्मूले डिस्प्ले किए, इन लोगों की इसकी इंटीग्रेशन करना मुश्किल होती है। तो चूंकि अब हमारे पास काफी आगे का मॉडर्न अप्रोच आ चुकी है, तो इस तरीके के हमारे टेबल्स उन्होंने डिफाइन करके दे दिए कि भाई आप जीरो से लेके वन तक की रेंज में इसका जो भी एरिया अंडर द कर्व आ सकता था, वो सारा का सारा कर्व हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स की ये यहाँ पे जो है वो आप एक्स की ये जो फार्मूला है, जेड वाला फार्मूला है, इसके अंदर आप यहाँ पे एक्स की डिफरेंट वैल्यूज डालते रहे, और आप इसकी जो है वो जेड कैलकुलेट करते रहे, मतलब इतने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला उन्होंने क्या कर दिया, गिवन कर दिया। तो ये चीजें फाइंड करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटीज, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना काफी टफ काम है, ठीक है। तो इसलिए हम कहाँ पे अप्रोच करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल की तरफ चले जाते हैं। और स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या चीज होती है आपके पास, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जिसको किससे ड्राइव किया गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव किया गया। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल भी फॉलो करता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, सिमेट्रिक, बेल शेप, एरिया अंडर द कर्व वन, और लेफ्ट साइड का पोर्शन राइट साइड के बराबर, लेफ्ट और राइट साइड का पोर्शन आपस में इक्विवेलेंट होगा, सब कुछ, ईच एंड एवरी, जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाई, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो जेड नॉर्मल भी फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन इसको नॉर्मल करने के लिए इन्होंने एक रेंज बता दी। नॉर्मल करने के लिए जो रेंज बताई है, वो ये बताई है कि ये जो नॉर्मल करेगा, इसका मतलब है वो जीरो से वन तक की रेंज में करेगा। अब ये जो स्टैंडर्ड का मतलब होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कि यहाँ पे सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली ही फॉलो होंगी, ठीक है, हैव ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज, सब कुछ वही है। लेकिन जो दो नए फैक्टर एड हुए हैं, वो क्या हुए हैं, मीन जीरो और वेरियंस वन।
ये दो फैक्टर, इसका मतलब है कि ये मीन जीरो है इसमें, और वेरियंस वन, मतलब आपका जो पॉपुलेशन मीन होगा वो जीरो होगा और पॉपुलेशन वेरियंस जो होगा वो वन होगा। ये स्पेशल पॉइंट जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। जब ये स्पेशल पॉइंट इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ था, ये आपका ओरिजिनल फार्मूला है जो मैंने आपको अभी दिखाया पीछे स्लाइड में। इसके अंदर जब आप मीन जीरो और वेरियंस वन सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। ये है आपका वो नॉर्मल का स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो कि हम मेजोरिटी टाइम इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने की वजूहत क्या है? इस्तेमाल करने की वजूहत ये है कि हम बहुत सारे चीज़ों में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है जीरो से लेकर वन तक की रेंज में ही अपना डेटा इंसर्ट करवाएंगे। अगर आपका डेटा इस रेंज से बाहर आ रहा है तो आप उसको वापस उसी रेंज के अंदर लेकर आ जाए, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड। बहुत सारे देखिएगा मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि जीरो और वन तक की रेंज का ही डेटा एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका डेटा आउट ऑफ द जीरो वन की रेंज में जा रहा है तो वो कहते हैं कि आप इसे फौरन से नॉर्मलाइज कर दें। और नॉर्मलाइज कैसे कर दें? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो आपको जेड का फॉर्मूला दिया है ना, इस फॉर्मूले के जरिए वो कहते हैं कि इसको नॉर्मलाइज करिए। नॉर्मलाइज का मतलब है इसको जीरो वन की रेंज के अंदर लेकर आइए। ये फॉर्मूला भी आप नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इस प्रोसीजर को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कह रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम नॉर्मलाइजेशन भी है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आ रहे हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब है जीरो और वन के दरमियान के रेंज ऑफ डेटा को लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो जिस तरह मैं आपके सामने कहा वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल है, मशीन लर्निंग में पढ़ते हैं बच्चे, डेटा माइनिंग में, मशीन लर्निंग में आप लोग इस तरीके के मॉडल्स पढ़ोगे जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, एक्सट्रीम लर्निंग मशीन है, और इसी तरीके से सपोज वेक्टर मशीन है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। तो इस तरीके के जो स्टैंडर्ड मॉडल्स होते हैं उसके अंदर भी इसी तरीके के जीवन का डेटा एक्सेप्ट किया जाता है। तो कभी कभी इस फॉर्मूले को आप देखिएगा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो रहा होगा कि अगर आपका डेटा मतलब 1000, 1000, 4 डिजिट पे है, 3 डिजिट पे नंबर है, थाउजेंड्स में है, 10,000s में है, इस तरीके के डेटा लाए कर रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगा के उसको जीरो वन के जीरो वन की रेंज में ले आओ, ठीक है? तो अगर वो वन का फॉर्मूला है, वन का मतलब है अगर उसके अंदर एक पीक है तो आप उसके ऊपर ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा कर आप उसे जीरो वन की रेंज में ले आओगे। लेकिन अगर वो नॉर्मल कर्व नहीं बनता, अगर आपके उस डेटा सेट का नॉर्मल कर्व नहीं बनता तो फिर आप उसके ऊपर मिन मैक्स एल्गोरिथम लगा के उसको मिनिमाइज करते हो, उसको मतलब जीरो वन की रेंज में लेकर आते हो। तो ये तो खैर काफी अपर लेवल की बातें हो रही है, लेकिन हाँ समझाते हुए मुझे लगा कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो पता करने के लिए आपको ये मैंने इसलिए समझाया कि देखिए स्टूडेंट, इसको ये जो स्टैंडर्ड चीजें हैं ये अगर आप एडवांस लेवल, एमएस लेवल पर आते हैं, रिसर्च पर आते हैं तो फिर आपको ये नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्ड मॉडल, जीरो वन प्रिडिक्शन, ये सारी चीजें फिर पता होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप लोग बिगनर लेवल पर हैं तो आप थोड़ा पीडीएफ सीडीएफ फॉर्मूले पे ही रहिए, ठीक है? तो पीडीएफ सीडीएफ वाले फॉर्मूले का मतलब इसके अंदर क्या है कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट करना मुश्किल हो गया, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दी। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उन्होंने क्या किया, मीन जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन वन कर दिया। जब इस मीन जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन वन इस पीडीएफ के फॉर्मूले में डाला तो फाइनली हमारे पास जहाँ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ वन था तो ये वन वन शो नहीं करते, 2 पाई, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने जो मीन था इस पूरे एक्स को आपने जीरो कर दिया। जब आपने इस पूरे एक्स को जीरो कर दिया तो जहाँ पे आपके पास मीन कैलकुलेटर आता आप वहाँ पे जीरो पुट कर दे। जब आप जीरो पुट करके आप इस पीडीएफ वाले फॉर्मूले को अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप चाहें तो खुद से भी इसके मीन की जगह पे जीरो, और यहाँ पे ये देखिए ये म्यू है ना, दैट इज कॉल्ड द मीन, आप इस मीन की जगह पे जीरो डाल दीजिए और वेरियंस की जगह पे वन। तो यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो डालेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को जब आप दोबारा से रीराइट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, ये अब सॉरी ये फॉर्मूला ये रहा, ये है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल का फॉर्मूला। इफ एक्स हैज द डिस्ट्रीब्यूशन म्यू एंड वेरियंस दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन विद मीन जीरो स्टैंडर्ड डेविएशन, द पीडीएफ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल इज दिस वन। जब आपने इस वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन वन इंक्लूड कर दिया तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है? अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्मूले की हर तरह की इन्होंने क्या किया, इसको कहा कि अब ये आपका पीडीएफ बन गया है। अब इस पीडीएफ पे भी अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ना एरिया अंडर द कर्व मालूम करने के लिए तो भी मुश्किल होगा, ठीक है? अभी भी देखिए पाई एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी पावर लगी हुई है, ठीक है? तो इसकी भी आपके पास क्या है, इसकी भी कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो अब आप जब एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व
बिटवीन जीरो और वन। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे बिटवीन जीरो और वन की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती थी उन्होंने इस जेड टेबल में डिफाइन कर दी। देखिए ये जेड टेबल को हम क्या कहते हैं, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व जितना भी एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे मतलब लाई कर रहा है वो सब उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब इस वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करते हैं डेफिनेटली मैं भी आपको समझाऊंगी। तो इस सारी की सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपके सामने दे दी ताकि आपको इंटीग्रेट करना ना पड़े। अगर आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है तो आपके लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना उन्होंने बेहद आसान बना दिया। और बेहद आसान किस तरह बना दिया कि बस आप ये जेड का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, जेड का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आपको एरिया अंडर द कर्व पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल पीडीएफ पे आपको इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा। जैसे बाकी के डिस्ट्रीब्यूशन को जब भी मैंने आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाती हूँ तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे देखिए ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ। उन्होंने कहा कि हमें एरिया मालूम करके बताइए। ये देखिए एरिया मालूम करने की बात करी कि एरिया अंडर द कर्व 230 लेस देन और दिस वन, ये प्रोबेबिलिटीज मालूम करने के लिए की गई। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये था, बहुत आसान था, बी माइनस ए। तो आपने फौरन से बी माइनस ए को फौरन से इंटीग्रेट किया और फौरन फौरन आंसर लिया। लेकिन हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है ना बेटा, वो नॉर्मल यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन सब के पीडीएफ जो है वो बहुत आसान है। ये देखें इसका पीडीएफ बेहद आसान है, इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में समझा चुकी है कि इन इनकी पीडीएफ की प्रोबेबिलिटीज निकालना आसान है, मुश्किल नहीं है। या आप एक्सपोनेंशियल पे आइए, एक्सपोनेंशियल की भी जो आपके पास वो गिवेन है पीडीएफ वो भी आसान है। इसकी इंटीग्रेशन करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल इंटीग्रेशन किसकी है, नॉर्मल की है। इसका पीडीएफ इंतहाई मुश्किल है, इसके पीडीएफ के ऊपर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके प्रोबेबिलिटीज मालूम करना मुश्किल है। तो इसीलिए फिर आगे स्टैटिशियन ने क्या किया कि इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट किया। फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल से आगे दुनिया चूंकि आगे बहुत जा रही थी, उन्होंने कहा कि भाई स्टैंडर्ड नॉर्मल भी काफी, ये इस फॉर्मूले को भी इंटीग्रेट करना कुछ आसान काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हर फॉर्मूले के ऊपर जीरो ये क्या वैल्यू देगा, जीरो से वन तक का एरिया कैलकुलेट करके देगा। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा टेबल ही डिफाइन कर दिया और कहा कि अगर आप किसी को चाहिए कि वो एरिया अंडर द कर्व मालूम करे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो बस इतना सा फॉर्मूला इस्तेमाल करे, आपको ऑटोमेटिकली एरिया कैलकुलेट करके मिल जाएगा। तो ये फर्दर इन्हांसमेंट थी जो कि मैंने आपको डिफाइन करी। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा तो अब हमारे पास कुछ पीछे की स्लाइड्स रह गई हैं, इसको वापस देखें। तो अब उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी चीजें। तो ये रहा आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इसका सीडीएफ है। सीडीएफ का मतलब इसका क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ये इसका क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है जो कि किस पे कैसे किस तरह कैलकुलेट होता है, जीरो से एक्स पे। फिर ये इसका ग्राफ है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप का होता है, यूनिमॉडल होता है, ये बात मैंने आपको बताया, सिमेट्रिक है और कंटिन्यूस टाइप। यही सारी बातें मैंने आपको हैंड रिटन में भी करके बताई, यही सारी चीजें बताई, ठीक है। इसके बाद टोटल एरिया द कर्व यूनिटी मतलब वन है। दो पैरामीटर, देखिए मैंने क्या कहा था आपके दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं इसके, म्यू एंड सिग्मा। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन का मीन पता है इसका मतलब है आप नॉर्मल कर्व के बारे में सब कुछ जानते हैं, हर चीज जानते हैं। तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। वेरियंस इसको डिनोट किया जाता है, इसका मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा के बराबर है, इसका क्वार्टाइल डेविएशन इसके बराबर है। और इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्पेशल टाइप क्या है, स्पेशल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, बस 4 तक के आप याद करा करें कि इसके कितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इसका मीन मीडियन मॉड क्या है और इसकी एरिया अंडर द कर्व क्या है और इसके कुछ पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। और इसका स्पेशल केस मैंने आपको एक बता दिया। तो ये चीज आपके पास क्या आ गई, ये चीज आपके पास आ गई कि ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाई करती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह चेक करते हैं, तो मैंने आपको कहा कि आपको हिस्टोग्राम बनाना आता है, आप हिस्टोग्राम के ऊपर एक और आप एक लाइन ओपन करें, लाइन से पता चल गया भैया ये देखो ये मैंने हिस्टोग्राम बना लिया अपने डेटा का, और ये एक लाइन ड्रॉ करी सीधे पता चल गया इसकी सिर्फ एक ही पीक है, एक पीक है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है मैं इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकती हूँ। अब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है उसकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स भी चेक कर लीजिए कि क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये मीन मीडियन मॉड बराबर हैं कि नहीं। सारी करेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी आपको तो इजिली आप उसके ऊपर अपनी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं अपने एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इम्पेरिकल रूल की तरफ कि इम्पेरिकल रूल्स क्या होते हैं। अच्छा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इम्पेरिकल रूल है। इम्पेरिकल रूल की आपको बता रहा है कि फॉर एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा
अगर अब देखें एम्पिरिकल रूल में क्या है, आपकी सेंट्रल लाइन तो आपकी क्या हो गई, मीन हो गई. अब इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, वन स्टैंडर्ड डेविएशन, टू स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व है, ये आपके पास प्लस माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा. आपका पूरा के पूरा डेटा इन्हीं थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में ही लाई कर रहा है. अब इसका जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके अंदर 68% डेटा लाई कर रहा है. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई आंसर जो है वो आता है, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे चले मैं आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास एक डेटा है जिसका मीन क्या है आपके पास, ये मेरे पास एक डेटा था, उसका मीन मेरे पास क्या गिवन है, 73 मिस, पॉइंट 8 बोले. इसकी जो स्लाइड्स आपने, जो हमें इसकी स्लाइड मिली है, उसमें ये वाली स्लाइड नहीं इंक्लूड ये इंक्लूड नहीं, क्यों, ये मिस वाली चीजें उसमें। इंक्लूड. अच्छा वो जो फोल्डर दिया उसके अंदर हाँ, सब इंक्लूड नहीं है. ये वाली जो स्लाइड अभी आपने शो की, ये कोई बात वाली नहीं, कोई बात स्लाइड नहीं, उसमें नहीं, ठीक है ठीक है, मैं समझ गए, नहीं है तो कोई में बात नहीं, ये उस वाले जो को डिलीट. जिस लेक्चर की अभी आप स्लाइड्स पढ़ा रही हैं उसमें ये वाली स्लाइड नहीं, स्लाइड ठीक है कोई मसला नहीं है, आप वो वाली स्लाइड नंबर को 20 पे। डिलीट, ठीक ठीक है आप स्लाइड, उस वाली स्लाइड को डिलीट कर दीजिएगा और इस वाली स्लाइड को लेक्चर सेंड कर दीजिएगा, ये मैं सेंड कर देती हूँ. ठीक है ये मैं सेंड कर देती हूँ आपके सीआर को, जैसे क्लास एंड पर होगी मैं हाथ के हाथ इसे सेंड कर दूंगी, आप उसको ऐड कर दीजिएगा, वो वाला जो पुराना लेक्चर पढ़ा है ना उसे भी डिलीट कर देना. ठीक है अच्छा, तो अब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एक मीन एम्पिरिकल रूल बता रही हूँ. एम्पिरिकल रूल के अंदर मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ये देखिए ऑलरेडी मेरे पास एक डेटा सेट का क्या गिवन है, मेरे पास एक डेटा सेट का जो है वो मीन गिवन है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है मेरे पास एक डेटा सेट का मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है अब मैं आपको एम्पिरिकल रूल समझा रही हूँ, बोलो बोलो बेटा कोई पूछना है, चलो गलती से हो गया होगा शायद. चलो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास एक डेटा है, उसका मेरे पास ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि मैंने आपको कहा था नॉर्मल डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा कीमती पैरामीटर होते हैं. अगर आपको मीन और वेरिएंस उस डेटा का पता है, इसका मतलब है आपको उस डेटा के बारे में तमाम नॉलेज मौजूद है. अब देखो आपको क्या नॉलेज पता चली, फॉर एग्जाम्पल कि आपका डेटा है और मीन आपको पता था. अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास एग्जाम्पल है ना, ये इस चीज की है. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक स्टूडेंट है और मेरे पास उसमें उन स्टूडेंट्स को मैंने नंबर डिफाइन किए. अब मेरे पास स्टूडेंट चार, मतलब आपके चार सेक्शंस मौजूद हैं, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है दोनों के दो दो सेक्शन, मतलब चार सेक्शन मौजूद हैं. अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि भाई मैंने जो स्टूडेंट को स्टेट्स आई इसमें स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स दिए वो चार चार करूँ तो कुछ 2000 2.5 मतलब 250 के करीब स्टूडेंट्स होंगे या 200 के करीब स्टूडेंट्स होंगे, सही है अप्रोक्स, चलो 250 रख लेते. अब मैंने 250 स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए, उनको नंबर दिए. अब मैं अप्रोक्सीमेटली जो है वो मैंने क्या कहा कि ना मैंने आप 250 का मीन निकाल लिया, 250 का मीन निकाल लिया और 250 स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, सही है 250 का मीन निकाला और 250 का स्टूडेंट, सॉरी 250 का मैंने स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम कर लिए. कोई मुश्किल काम तो नहीं है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, एक्सेल पे जाऊंगी सबका एक एक ही कमांड लगाऊंगी, मीन कैलकुलेट हो जाएगा, एक कमांड लगाऊंगी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगी. चलो 250 स्टूडेंट्स के मैंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मैटलैब पे एक्सेल पे कैलकुलेट कर लिया. ठीक है अब कैलकुलेट करने के बाद अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो किस नंबर पे लाए कर रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल के मेरे पास जो डेटा सेट आया उसमें मेरे पास क्या आता है इसका मीन. अब इसका जो फॉर्मूला है वो दिस वन, ये फॉर्मूला आपके पास याद है एम्पेरिकल का, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है. एम्पेरिकल का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मीन प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन. पीन, पीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब क्या है कि ये आपके पास मीन गिवन है, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस का मतलब है ये माइनस और ये प्लस. ठीक है तो एक बार आपने माइनस करना है और एक बार आपने प्लस करना है, तो मीन, मीन में से माइनस करें वन, वन आपके पास कांस्टेंट होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन, इस वक्त स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 7, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पुट कर दिया 7. तो अब आप जब इसे सॉल्व करें 7 7 इन दोनों को माइनस करें तो क्या आया 66.8. दूसरा आप इनको 7 आपने सब्सिट्यूट किया 7 7 इसको प्लस किया 74.8. अब ये एम्पेरिकल रूल क्या कह रहा है कि आपके पास 68% स्टूडेंट का डेटा लाई कर रहा है इस इंटरवल, मतलब ये कि 68.8 के से लेके 74.8 तक के 68% स्टूडेंट ने जो है वो मार्क्स ऑब्टेन किए.
इसका मतलब क्या है, इम्पेरिकल रूल है, मतलब एक अप्रोक्सीमेशन उन्होंने निकाल दिए जो स्टैटिशियन है, उन्होंने कि अप्रोक्सीमेट रूल निकाल के आपको दिया है कि अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप क्या कह सकते हो उस डेटा के बारे में, बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हो। जैसे उन्होंने यहाँ बताई कि 68% डेटा फॉल कर रहा है विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है आपका जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो ये विद इन अ वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका मतलब है दिस वन, कि आपका 68% स्टूडेंट का डेटा जो है वो यहाँ पे लाइक, यही चीज देखो यहाँ पे आपने मीन देखी, वेरियंस देखा, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई आपका 68% स्टूडेंट जो है वो इस इंटरवल में लाइक, मतलब 68% स्टूडेंट ने जो है वो इस रेंज के दरमियान में मार्क्स ऑब्टेन किए। फिर अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसका टू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं, तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन ने क्या निकाल के दिया मुझे, उसके अंदर मैंने टू लिखा, मीन लिखा, फिर टू लिखा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 7 आया था आपका, यहाँ पे प्लस किया, तो इसको जब सब्स्टिट्यूट मतलब कैलकुलेशन की 73.8 में से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 7 14, तो जब करा तो मेरे पास आंसर क्या आया दिस। इसका मतलब है कि 59 से लेके 87 तक की रेंज के अंदर जो है वो मेरे पास 95% फोर स्टूडेंट लाएगा, मतलब 95% के नंबर जो है वो 95% के नंबर जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ रेंज चाहिए, प्रिडिक्शन आपने खुद बताइए, प्रिडिक्शन हमारे स्टैटिशियन ने बताई है कि एम्पेरिकल रूल है कि अगर दो टू स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में आपका डेटा लाइक कर रहा है, इसका मतलब है कि 95% का डेटा आपका इस दरमियान लाइक कर रहा है, और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है 99.7। अब थ्री देखो, थ्री के दरमियान में क्या, थ्री अब यहाँ पे फॉर्मुले में सब्सिट्यूट किया, मीन माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय 7 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 7 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है 52.8 से लेके 94 तक के दरमियान में मेरा डेटा लाइक कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फेल नहीं, यानी 52 से कम नंबर किसी को डिफाइन नहीं किया, सही है। तो ये क्या है, ये एक रफ अप्रोक्सीमेशन मैंने डिफाइन कर दी, मतलब अगर मेरा डेटा नॉर्मलिटी पे शो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि मैं इसका एम्पेरिकल रूल इस तरह डिफाइन कर सकती हूँ कि एम्पेरिकल रूल का मतलब है कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 3, और ये बात कंफर्म है कि नॉर्मल कर्व सिर्फ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये जो अल्फा की वैल्यू है वो सिर्फ क्या होगी, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ही, अप्रोक्सीमेशन बता। तो इस तरह भी कभी कभार जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको मीन वेरियंस पता है तो देखो आप इस तरह की चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या कहा था, देखो इसके इंपॉर्टेंट टू फैक्टर हैं, मीन और वेरियंस। जब आप इंपॉर्टेंट टू फैक्टर पे बात करते हो तो उसका मतलब है एम्पेरिकल रूल्स के मुताबिक आप इतनी सारी चीजें मालूम कर सकते हो कि भाई इस दरमियान में ये डेटा सेट लाइक कर रहा है, रफ अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है, एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो कभी कभार हम अभी चुके आने वाले लेक्चर्स में हम एस्टिमेशन और एस्टिमेटर्स भी पढ़ेंगे। एस्टिमेशन का मतलब ही क्या है, रफ की बात हो रही है, एक्चुअल वैल्यू जब डालोगे तो इस तरीके से चीजें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने आपको क्या कहा कि अगर एक नॉर्मल कर्व था तो नॉर्मल के अंदर एक एम्पेरिकल रूल भी ये स्टैटिस्टिशियन ने डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह की चीजें भी हमने क्या डिफाइन कर दी, आपको एग्जाम्पल के जरिए भी मैंने एम्पेरिकल रूल डिफाइन कर दिया। अब ये कुछ स्टैंडर्ड नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए मैंने आपको ये बताया कि देखिए स्टूडेंट ये इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड नॉर्मल का। अगर ये स्टूडेंट हमें फॉर्मूला ना मिलता तो फिर आपको पता है क्या करना पड़ता, आपको प्रोबेबिलिटीज मालूम करने के लिए फिर दोबारा से इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ता। इस फंक्शन की प्रोबेबिलिटीज अगर मालूम करनी है तो अगर आपको ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, इसका मतलब है कि 2 उसके मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम जो आपकी लिमिट गिवन होगी वहां तक के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर लेस देन पे मालूम करनी है तो 0 से लेकर 2 तक के आपको